आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ उम्मीद सोएबा। नाथनगर प्रखंड के सभी पंचायतों में 24 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर जनता से अपने समर्थन की अपील कर रहे हैं, जनता से अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं और प्रचार प्रसार भी इसको लेकर जोरों शोरों से चल रही है। आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं धनंजय कुमार जी। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। इनके बारे में बता दें, ये नाथनगर उत्तरी क्रमांक संख्या 14 से जिला परिषद के लिए उम्मीदवार हैं। इन्होंने अपना नामांकन करवाया है। सर, इस बार का जो आप चुनाव लड़ेंगे, किन किन मुद्दों पर आप इस बार का चुनाव लड़ेंगे? मेरा पहला मुद्दा शिक्षा, उसके बाद बेरोजगारी, समाज को सुरक्षा, कृषि प्रधान यहाँ जो हमारे 8 पंचायत हैं, इसमें अधिक लोग कृषक हैं, कृषि से लाभ नहीं यहाँ मिल रही है, बिजली पानी की सुविधा नहीं मिल रही है। इस पर कोई भी प्रत्याशी जो जीत कर आते हैं, इस पर किसान को कोई सुविधा नहीं दे सकते हैं। 8 पंचायत में 90% मजदूर रैंक के आदमी हैं, किसी को मजदूर की सरकारी सुविधा नहीं मिल पा रही है, किसी का मजदूरी कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी का घर नहीं है। ये बाढ़ पीड़ित इलाका है, यहाँ हर साल गंगा के चपेट में हर साल 8 पंचायत आ जाती है। इसमें कभी कोई जो जीत कर यहाँ से जाते हैं, कभी देखने के लिए नहीं आते हैं। मतलब जो वर्तमान में जिला परिषद रहे थे उत्तरी से, उन्होंने कुछ खासा काम नहीं किया जिससे आप लोग संतुष्ट नहीं, और आप उसी विकास कार्य को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो जिला परिषद से जीत कर गई थी, 5 वर्ष में यहाँ की जनता उसे पहचान तक नहीं पाई, और अभी चुनाव के मुद्दे पर वह आई है जो उसे फटकार लगाकर लोगों ने बाहर कर रहे हैं, और मुझे भारी मत से जिताने का वादा कर रहे हैं। मैं 15,000 वोटों से यहाँ से लीड करूँगा। सर, आप इससे पहले भी जिला परिषद पक्ष के पद के लिए चुनाव लड़े हैं, लेकिन आपको जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत नहीं मिला, आप नहीं जीत पाए, तो सर इस बार आपको उम्मीद है कि इस बार जनता का प्यार और सम्मान पूरी तरह से मिलेगा, कि आप इस बार जीत हासिल कर पाएंगे? जी, मैं 2016 में जिला परिषद पद के लिए चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं सेकेंड स्थान पर रहा। उस समय 11 प्रत्याशी थे, उसमें मैं सेकेंड स्थान पर रहा, नाम मात्र 237 वोटों से मैं चुनाव हारा, और मुझे सभी जनता का प्यार मिला। अब 5 वर्ष की सेवा काल में मैं फिर जनता का सेवा किया, और मुझे भारी मत से जनता अभी जिताने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने कह रहा है 15,000 से 20,000 मतों से आपको लीड देंगे। तो सर, इस बार आपका जनता से वादा क्या रहेगा? सर, वादा सबसे पहले मैं तो वादा यहाँ शिक्षा गर्त में है, यहाँ की सरकारी विद्यालय में जो है उसमें शिक्षक नाम मात्र हैं, कहीं कि 8 क्लास के विद्यालय में 4 शिक्षक हैं, उस 4 शिक्षक को भी मध्यान्ह भोजन, जनगणना, वोटर लिस्ट का काम में लगा दिए जाते हैं सरकार द्वारा, और बच्चे गर्त में जा रहे हैं। गरीब बच्चे केवल यहाँ स्कूल में रहे हैं, जो पैसे वाले के बच्चे हैं वो बाहर चले जाते हैं। गरीब 8 पंचायत में 90% लोग गरीब हैं, मजदूर तबके के हैं, किसान तबके के हैं, जो कि किसान भी जो हैं अपना ज़मीन नहीं है, दूसरे का ज़मीन बटैया करके बोते हैं, उसको समय पर ना खाद मिलता है, ना बीज मिलता है, ना सरकारी कोई सुविधा मिलती है। सर, आप अगर जीत जाते हैं सर, तो महिला के लिए किस तरह का विकास करेंगे? महिला को सबसे पहले यहाँ शिक्षा दिलाएंगे, जब तक शिक्षा नहीं दिलाएंगे तब तक कोई कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। कोई भी काम के लिए पहले शिक्षा जरूरी है। सर, आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? जिस तरह प्रत्याशियों और दलालों के द्वारा लूट खसोट जारी है, विकास के नाम पे जनता से वसूली किया जाते है, भ्रष्टाचार का आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है, और आप आगे भ्रष्टाचार को किस तरह से रोकेंगे, या फिर पूरी तरह से रोक लगा देंगे, या फिर आप आगे भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या प्लान है? भ्रष्टाचार को रोकने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पूंजीपति जो हैं वो आते हैं और जीत कर चले जाते हैं, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे पूंजी नहीं के अभाव में जीत नहीं हासिल कर पाते हैं, और पूंजीपति जीत कर जाते हैं और 5 साल कभी नहीं आते नहीं हैं, लोभ देकर चुनाव जीत लेते हैं। जो क्योंकि हम लोग सरकारी स्कूल के जो स्थिति है वो अच्छी तरह जानते हैं, किस तरह से बच्चों को शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है, शिक्षा यहाँ बिल्कुल भी अच्छी। तो सर, आप
बच्चों की शिक्षा को लेकर के आपका क्या अगला कदम रहेगा? अगर आप जीत जाते हैं, आप जिला परिषद पद पर अगर आप जीत जाते हैं, तो आपका आगे का शिक्षा को लेकर के आपका क्या ये रहेगा प्लान? सबसे पहला शिक्षा में मैं सभी स्कूल जाऊंगा, पहले सभी गार्जियन से बात करूंगी, सभी शिक्षक को बैठा कर उसे समझाने का कोशिश करूँगी। अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो जिला प्रशासन लेकर मुख्यमंत्री तक इसका आवाज़ उठाऊँगा। और सर स्वास्थ्य, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य प्रणाली भी जो हम लोगों के शहर की है या फिर ग्रामीण क्षेत्र की है, यहाँ दूर दूर तक अस्पताल नहीं है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या प्लान है? किस तरह से स्वास्थ्य पे आप महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के, बच्चों के स्वास्थ्य को, क्योंकि कोरोना महामारी भी चल रही थी, तो आप सर स्वास्थ्य को लेकर के आपके आगे का क्या प्लान है? अगर आप जीत जाते हैं चुनाव, आप पदस्थापित कर लेते हैं, तो सर क्या स्वास्थ्य को लेकर के आपका क्या आगे का प्लान रहेगा? स्वास्थ्य में भी मैं सिविल सर्जन से बात करूँगा, और यहाँ जो छोटे छोटे हॉस्पिटल बनाए गए हैं गांव और कस्बे में, उसमें डॉक्टर और नर्स का उपलब्ध करवाऊंगा और दवाई का सुविधा दिलवाऊंगा। सर, अगर आप जिला परिषद पद जीत जाते हैं, जनता आपको जिता देती है, प्यार देती है, सम्मान देती है, तो सर आप जिला परिषद अध्यक्ष के लिए लड़ेंगे, उस पद पर जाने की कोशिश करेंगे? जी जी जी, जनता अगर भारी बहुमत से हमें जिता देती है, मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ने के लिए दावेदार जरूर रहूंगा, और आगे नाथनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का भी कोशिश करूंगा। सर, जनता से आपकी क्या अपील रहेगी इस बार के चुनाव में? जनता से आपके क्या क्या संदेश देंगे, और उससे क्या आप अपेक्षा करते हैं कि जनता आपको किस तरह से जिताए? क्या अपील रहेगी सर जनता से, आप एक बार अपील करें? जनता से अपील यही है कि मुझे भारी बहुमत देकर जिताएं, और मैं आपके साथ हर सुख सुविधा में कंधे से कंधे मिलाकर चलूंगा। मेरा जो चुनाव चिन्ह है, लेटर बॉक्स छाप है, उस पर मैं बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए जनता से आग्रह कर रहा हूँ। हम भी आपको ये इसी बात की शुभकामनाएं देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मत प्राप्त करें, जनता आपको खूब सारा प्यार और सम्मान दें, और आप जिला परिषद पद पर निर्वाचित हों। आज हमारे साथ बातचीत में शामिल थे धनंजय कुमार जी, ये नाथनगर उत्तरी से जिला परिषद पद के लिए उम्मीदवार हैं, इन्होंने अपना नॉमिनेशन करवाया है। और आज के इस बातचीत में इतना ही। सिल्क टीवी देख रहे हैं आप, नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नाथनगर प्रखंड के दोगच्छी गांव में, यहां हम जनता के बीच उपस्थित हैं, और जनता से आज 24 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर उनसे बातचीत करेंगे, उनका ओपिनियन जानेंगे, और जिस तरह निवर्तमान जिला परिषद रहे हैं उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह उन्होंने विकास किया है इस क्षेत्र में, और आगे वो किसे चुनना चाहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं दोगच्छी में, जो नाथनगर प्रखंड में दोगच्छी एक गांव आता है, जो काफ़ी पिछड़ा वर्ग गांव है। मूलभूत सुविधाएं यहां पूरी तरह से सुविधा नहीं है, मूलभूत सुविधाएँ पूरी तरह से यहाँ मुहैया नहीं कराई गई है, और हम यहाँ के गाँववासियों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपका नाम? इस बार सर आप किसे वोट देना चाहेंगे? इस बार हम लेटर बॉक्स को देंगे, पिछले बार जो है आरती कुमारी जी, 5 साल में एक बार भी नहीं आया। जिला परिषद पद के लिए आप जी जी लेटर बॉक्स छाप को देंगे? जी जी, 5 साल के दरमियान में एक बार भी आरती देवी को आज तक हम लोग नहीं पहचानते टाइप की महिला है, और ना कुछ विकास किया है। सर, आप धनंजय कुमार जो है इस बार यहाँ के उम्मीदवार हैं, इसलिए सर वो जो है सर हमारे जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, वो जो है ना कभी पार्टी लेवल के कभी काम किए हैं, इसलिए उसको जो है ना काफी लोग चाहिए। इन्होंने इनका लेटर बॉक्स छाप जो धनंजय कुमार है उनको वोट दिया जाए, तो और भी यहाँ मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे, और जानेंगे कि इस बार गांव की सरकार किसके हाथों को देना चाहिए। धनंजय मंडल सभी के लिए जो भी पहले पंचवर्षीय योजना में जो भी जिला परिषद था, और हमारे गांव में प्रत्येक बस बाढ़ आती है, उसमें बाढ़ राहत कार्य के रूप में धनंजय मंडल हम ग्रामीण और हम किसानों के बीच आके हम लोग के पूरा सपोर्ट किया है। यहाँ तक कि हम लोग खाना बनाने का जगह नहीं था, वो खाना बना के राहत के रूप में हम लोग को पूरा एक महीने तक साथ दिया है। मतलब तो आप लोग उन्हीं को जिताना? हाँ, हम
लोग 100% उन्हीं को जिताना चाहेंगे। हम पूरा युवाओं का यह योगदान है कि हम लोग इस बार धनंजय मंडल को पूर्ण बहुमत से विजय बनाएंगे। अगर धनंजय मंडल जीत जाते हैं, अगर उनको जिला परिषद पद मिल जाता है, तो आप कौन कौन विकास कार्य को आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो उसको आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से गाँव का विकास करें, क्योंकि ये पिछड़ा वर्ग का गाँव है, यहाँ बाढ़ आ जाता है अक्सर, हर साल में एक बार बाढ़ आ जाती है, और तो आप क्या उम्मीद रखते हैं उससे? मैं उनसे यही उम्मीद रखूंगा और मैं उनसे ज़्यादा भी चाहता हूं कि हम युवाओं को हमेशा वो प्रोत्साहन करते हैं, या तो पढ़ाई के रूप में या तो क्यूज के रूप में हमेशा हम लोग को प्रेरित करते आ रहे हैं वो। और जब हमारे गांव में हर एक प्रत्येक बस बाढ़ आती है, उसमें बाढ़ राहत के रूप में हम लोग को हमेशा आगे करते हैं, या तो कोई काम है या तो पढ़ाई लिखाई के माध्यम में हमेशा हम लोग का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हम उसको चुनना चाहते हैं। तो इस चुनावी माहौल के बीच आज हम दोगच्छी गांव में मौजूद हैं और यहां बहुत सारे ग्रामीण हैं जो काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं, और ये साफ दिख रहा है कि गांव जो है पूरी तरह चुनावी माहौल में रंग चुका है। यहां जिस तरह से लोगों की भीड़ है, ग्रामीणों की भीड़ है, और आप देख सकते हैं कि यहां कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं और हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। क्या क्या दिखा जी, गाँव में विकास हुआ है जी? अभी जो आप देख रही हैं, जिस तरह आप रह रही हैं, जिस क्षेत्र में काम करता है मुखिया, चाहे वो क्या कहते हैं जिला परिषद हो या फिर कोई अन्य पद का जो भी यहाँ पे पदाधिकारी है, वो सब काम करता है। जिला परिषद को कौन ने दिया है? बच्चों की शिक्षा को लेकर यहाँ इस क्षेत्र में क्या हाल है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, 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 नहीं। पूरा दम से जैसा आदमी पढ़ रहा है उसी तरह दम से चल रहा है, गरीबी तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस बार आप किसको चुनना चाहिएगा? धनंजय मंडल। मतलब आप लोगों के दिलों में धनंजय मंडल ने पूरी तरह जगह बना लिया और आप लोग इस बार पूरी तरह उनका सहयोग कर रहे हैं। आप उनसे बातचीत क्या दी थी? धनंजय मंडल ने सब कुछ दिल कर कोरोना का भी माहौल, कोरोना काल आया, उस भी धनंजय मंडल आप लोगों के बीच आए थे। धनंजय मंडल जीताएगा। तो आप बताइए दीदी कि वर्तमान में जो जिला परिषद है, इस क्षेत्र का जो तरीका जिला परिषद है, उन्होंने किस तरह का काम किया है और आप उस तरह किस कुछ भी काम हुआ है उनके जिले में? कोई काम नहीं, आके कह देता है कि वोट लेंगे, बाद में आके कुछ दिखाने में आता है, बाद में कहता है घर में एकदम खोपड़ी है, उसको अगले बार भी बोले, 5 साल पहले उसको बोले हम, हमारा सर घर गरीब है, खोपड़ी छाप है, खोपड़ी हमारा घर दीजिए, घर नहीं दिया, फिर आपकी बोले कि आपको वो जैसे घर नहीं बनाए, आप धनंजय मंडल देगा, हम उसी को वोट देंगे, हमारा उसने पहले बोल दिया, आप तुम्हारे बंदोबस्त घर सब गरीब को देखेंगे, सबको देखेंगे, गरीब दुखिया को सब देखेंगे, घर दुआ देंगे, घर घर लिया है, घर ऊंचाई करेंगे, जहाँ जहाँ डूबता है मामा ऊंचाई करेंगे, ऊंचाई सफर करेंगे, सब गरीब को देखेंगे धनंजय मंडल ने, और सब वो किया है, सब चीज दिया है गरीब को, और जैसे बाढ़ पीड़ित आया था, खाना पीना चावल दाल सब्जी सब चीज खिलाया धनंजय मंडल ने। कोरोना के समय में लॉकडाउन में कितना गरीब आदमी बैठा रहा, सब चीज दिया, पैसे दिया, खाने के लिए राशन दिया, और अभी भी खिला रहा है, पहले भी खिलाते रहा, पहले भी खिलाते रहा। दोगच्छी गांव नाथनगर प्रखंड में पड़ता है और ये काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव है। मूलभूत सुविधाएं यहां पूरी तरह मुहैया नहीं कराई गई है और सरकार द्वारा कुछ खास भी व्यवस्था नहीं है, जिस कारण यहां के लोग काफ़ी दुखी रह रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं ये चाहते हैं कि आगे जो भी प्रत्याशी हो उनसे उम्मीद रखते हैं कि ये इनके क्षेत्र में विकास करें, इनका कल्याण। तो हमने बातचीत की और आपने देखा, तो आज के लिए बस इतना ही। सीमा भी देखते रहिए आप, मैं हूँ आपके साथ 1900।